हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले दो व्लॉग छोड़ के मैंने बोला था कि हम लोग एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जो हमारे सब्सक्राइबर ने रिकॉर्ड किए रहेंगे, तो हम लोग उनको भी हमारे जो रिएक्शन वीडियो है उसमें डालेंगे। तो गाइस, हम लोगों के पास बहुत सारी वीडियोज आई है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उसमें एक ऐसा सीन है कि वहां पर भी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हाफ हाफ वीडियो देखे है, जहां तक का हमने ये बताए थे कि हमें ट्विन्स है जो हम लोग फैमिली का रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, और एंड तक लोगों ने वीडियो देखे ही नहीं है। तो इसके लोगों को पता ही, तो लोगों ने खाली खुशी वाला रिएक्शन भेजे, अपना वो रिएक्शन तो भेजे ही नहीं है जिसमें हम लोगों ने बोले है कि हमें ट्विंस नहीं है, ये बस एक रिएक्शन वीडियो थी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। और गाइस, यहाँ पर निदा बना रही है मेरे लिए खिचड़ी, क्योंकि गाइस मैं खाने वाला हूँ दूध और खिचड़ी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी चार दिन से, क्योंकि हवा पानी चेंज हुआ था, तेल वगैरह चेंज हुआ, उससे वजह बॉडी में थोड़ा चेंजेस आते। आज हम लोग थोड़ा लाइट खाना खाएंगे, निदा भी खिचड़ी खाएंगे, तो खिचड़ी क्या होगा बेटा? खिचड़ी। सो गाइस, मैं बताता हूँ, हमारी मिची जो है वो इतना स्ट्रेस में आ गई थी, हम लोग नहीं थे, तो गाइस तो मैंने उसको थोड़ा प्यार करने के लिए उसके पास थोड़ा मैं खेला, उसके लिए लाइट जलाया, अभी माशाल्लाह वो हमें पहचान गई फिर से, जो भूल गई थी हमें ये, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये अभी सही है। अभी इसका पानी मैं चेंज करूंगा कल, क्योंकि मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, उसने किसी को देखी नहीं है घर में, अंधेरे अंधेरे में रही है वो, तो मैं भी हो सकता है वो डर जाएगी अभी रात में, अगर मैं करूंगा दिन में करता हूँ, दिन में उसको चेंज करूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा उसको, ठीक है। चलो खिचड़ी खाते और फिर सबकी रिएक्शन वीडियो आप लोगों को दिखाते। फाइनली हम लोगों ने खाना वगैरह खा चुके हैं, अब वक्त आ गया है हमारे सब्सक्राइबर्स का रिएक्शन डालने का। सो गाइस, इनमें से कुछ कुछ मैंने सेलेक्ट किए हम लोगों ने, क्योंकि गाइस इतने सारे डीएम थे, डीएम सब मिक्स थे, जरूरी नहीं है कि जब लोगों ने वीडियो भेजे तो वीडियो लाइन से आए, उसके बीच में लोगों ने रील्स भी भेजे अपनी अपनी कहीं और की, किसी ने फोटो भेजा, किसी ने मैसेज भेजा, तो बहुत सारे थे, तो हम लोगों ने कुछ चुनिंदा चीजें निकाले हैं। और उसमें से भी गाइस रिएक्शन वीडियो खाली 5 से 6 है, बाकी सब गाइस चैट्स है, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हमारे घर में प्राइवेसी इशू है, फेस नहीं दिखाना है, तो हम लोग मैसेज कर रहे हैं, वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो गाइस, मैं एक एक करके हम लोग मैसेज पढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं के रिएक्शन क्या है। चलो निदा पढ़ो जरा। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका व्लॉग आज देखा, क्योंकि मेरी स्टडीज के वजह से कल नहीं देख पाई, लेकिन मैंने आज देखा। आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब मैंने आपका टाइटल पढ़ा, लिटरली आई वॉज थिंकिंग कि आपके इंशाल्लाह ट्विंस होंगे। आई थॉट टू मेक अ वीडियो बट आई डिडंट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, और जब मैंने ये पूरा वीडियो देखा मैं बहुत खुश थी। इंशाल्लाह जो भी हो अच्छे से हो जाए। निदा दी, आप टेंशन मत लो, हम सब आपकी फैमिली आपके साथ है, एंड सुफियान भाई You too take care of Nida ji. Yay! Thank you so much. अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े मैसेज है। ला मेरे को तो तुम्हारे बस की बात नहीं है सब। So guys, दूसरा हमारा मैसेज है ये वाला। Really Sufyan sir, videos is so amazing and I'm gonna serious that you have twins baby. I'm so happy and cried too much like happy tears. And then I saw there was only single baby and I happy. Sorry for no video. Actually I am so excited because to see your vlog so that I can't record, but my emotions is truth. And please sir take care of Nida ma'am. I hope you both stayed very happy and good health also. मतलब वो बोल रहे हैं सिंपल भाषा में कि हमें बहुत खुशी हुई जब हम लोगों ने व्लॉग देखे, बट जब हम लोगों ने पूरा व्लॉग देखे तो हमें पता चला कि ट्विंस नहीं है, सिंगल बेबी है। गाइज वो लोग बोल रहे हैं कि प्लीज आई लव यू सो मच, वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई मीट यू, वी वर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होप के बेबीज ट्विंस हो, नजर ना लगे। लव यू सो मच। इतना समझ में आ रहा है कि लोग मतलब कैसा हुआ ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आधी वीडियो देखे, बट मुझे अभी रियलाइज हुआ कि लोग पूरी वीडियो देखते हैं, बट लोगों ने खुशी के मारे आधी वीडियो में लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया कि अरे ट्विंस है, ट्विंस है, ट्विंस है। किसी किसी ने तो सिर्फ ऊपर का ही देख के टाइटल देख के समझ गए रहेंगे। ऐसा हुआ था, मतलब एक्साइटमेंट है गाइस, एक्साइटमेंट। तो गाइस अभी एक हमारा एक और एक है, ये वाला है। जैसे कि आपने बोला था रिकॉर्ड करने का, मैं वीडियो नहीं बना सकती रिएक्शन का। ब्रो आई एम रियली शॉक, अल्लाह निदा प्योर आपको एक अच्छे सा बेबी से नवाजे, आमीन। ब्रो मैं आपको बहुत बड़ी फैन हूँ, लव फ्रॉम पाकिस्तान। वाओ, थैंक यू सो मच। ब्रो आई एम लिटरली शॉक, माय मामा वाज लाइक क्या हुआ बेटा, मैं पूरे घर को बता रही हूँ नियान के ट्विंस बेबी अब आने वाले। मतलब यार इधर सच में अगर ट्विंस होते अपने तो लोग तो मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी गली में बम फोड़ जाते हैं आधा नगर। सो गाइस अब आया रिएक्शन वीडियो। मुझे पता नहीं था भाई, मैंने सोचा नहीं था। कांग्रेचुलेशन निदा जी, थैंक यू। मतलब गाइज इन्होंने भी इतना खुश हो गए कि स्टार्ट में ही देख के रिएक्शन वीडियो बना दिए। बेचारा अगर आगे की वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। रिएक्शन है तो वो तुमने नहीं दिखाया। कौन सा वाला? वो वाला वो है ना, आगे है ना, आगे है।
सो गाइस एक और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, मैं फैमिली की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती बट मुझको इतनी खुशी है, कांग्रेचुलेशंस भाई, आप दोनों को अल्लाह दुनिया की सारी खुशियां दे, आमीन। आपका व्लॉग का वेट करती हूँ, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। आई नो आप लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे कुछ चीजों की वजह से, बट हम लोग वो चीज समझते हैं आप लोगों की, डोंट वरी, बी हैप्पी। सो गाइस अब आइए फिर से रिएक्शन वीडियो। गाइज आधी वीडियो देख के आप लोग इतनी खुशी में वीडियो बनाया हो, सच्ची बता रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद हंसोगे कि हम लोगों ने सुफियान को क्या समझे थे और वो क्या निकला। देखो गाइज मैं तो बोलते आ रही थी कि सुफियान क्या है क्या नहीं है, अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे वो क्या है क्या नहीं है। चलो बताओ, तुम पढ़ो। शाने हो तुम, बड़े बड़ी चीज मेरे को दे देते हो, पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीज खुद ले लेते हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत मुबारक भाई आपको, अल्लाह के फजलो करम से आपके घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, अल्लाह हिफाजत करे आपके बेबीज की और निदा अप्पी की भी, स्पेशली अल्लाह निदा दी की हिफाजत करे, आमीन आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी मच मोर हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, आपकी फैमिली की हिफाजत करे, आमीन आमीन आमीन। मैं पर्दा करती हूँ इसलिए रिएक्शन वीडियो नहीं भेज सकी, सॉरी इस वजह से मैसेज किया, बट आई एम वेरी मच मोर हैप्पी कि मैं दुआ जरूर करूंगी कि आपके बेबीज सही सलामत दुनिया में आ जाए, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, बट सॉरी कि बेबीज नहीं है, बेबी है, बट कोई नहीं, आप लोग ने आधी वीडियो देखे हो और इसलिए आप लोग ऐसा सब मैसेज करो, जो जाके पूरी वीडियो देखे। जेन्युइनली किसी की गलती नहीं है इसमें, किसी की गलती नहीं है, ये मतलब बात ही इतनी खुशी वाली कि इंसान आधी वीडियो देख के इंसान इतना खुश हो जाता है एक्साइटमेंट में कि इंसान सोचने लगता है कि हाँ वही सच है, आगे की वीडियो इंसान सोचता है कि चलो हम बाद में देख लेंगे, बाकी हमें मेन टॉपिक तो पता चली गया, बट मेन टॉपिक तो लास्ट में थी, समझ रहे हो गाइस, मतलब आप लोग पूरा व्लॉग देखो, कभी भी कहीं भी सस्पेंस छोड़ सकता हूँ मैं। हाँ आप लोग को लगता है ना सुफियान मस्तीखोर नहीं है, सबसे बड़ा मस्तीखोर रही है, इसका दिमाग इतना मस्तीखोर मतलब मस्ती से भरा हुआ है, सामने वाले को एकदम सस्पेंस में रख देगा, आप लोग को छोड़ो मेरे को रख देता है वो, मेरा आदमी हो। और गाइस मैं किसी की थिंकिंग चेंज भी कर सकता हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं। बहुत मैनिपुलेटिव है। सो गाइस हम लोगों ने एक और इंसान का रिएक्शन रिकॉर्ड किया है, वो आप लोग जरूर देखना और उसको मतलब देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कैसा लगा हो। जैसे कि सुफियान ने कल आप लोग को व्लॉग में बोला था कि आप लोग वीडियो देखोगे तो उसका रिएक्शन कैप्चर करना अपने घरों में, तो हमारे घर का रिएक्शन देखो क्या होता है वीडियो देखने के बाद। हमारे अरमान में पानी फेर दिया। बहुत खुश हो गई थी सच्ची में। तो गाइस अब फिर से आई है एक रिएक्शन वीडियो। सो क्यूट। अरे ये अटक ही गई। हाँ यस, कुछ बोली नहीं इसने। यार मुझे बहुत बुरा लग रहा निदा यार, मतलब लोग इतने खुश हो गए थे यार, मतलब मेरे को अभी अभी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं आई ना तुमको, समझ ही नहीं आ रहा लोगों के जज्बातों के साथ तुमने खेले। अबे ये तो पूरी फैमिली की है निदा। अरे माँ ये तो देखना पड़ेगा, ये पूरा फुल स्क्रीन में देखना पड़ेगा, रुक जाओ। मेरी ऐसी वहां यहाँ पे सेव पता चला, आंटी एंड में देख के बोलते तेरी।
नहीं यार बच गया मैं, बच गया। अच्छा कुछ भी नहीं बोले। अरे ना अच्छा रिएक्शन दिए निदा यार, देखो ना मतलब मुझे लगा एक तुम, नहीं मेरे को सच्ची में लगा कि लास्ट में तुमको कुछ ना कुछ बोलेंगे। पता चला बोल रहे तेरी भैंस का। कोई तुमको वैसा वाला नहीं बोला कुछ। निदा तुम इसमें ये देखो कि ये लोगों को पता है कि सामने कैमरा है बट एक बार भी नजर हटाई नहीं है वीडियो से, मतलब कॉन्स्टेंटली वीडियो देख रहे हैं, मतलब सोच रहे हो डेडिकेशन। थैंक यू सो मच यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मेरे को कुछ जहर वहर कुछ फांसी वासी कुछ दे दो मेरे को। He's overacting की दुकान गाइस। I know मैं रोज हैंडल करती हूँ। एक और एक रिएक्शन वीडियो आई है हमारे पास। Yes। जो शेयर। देखो देखे मतलब गाइस ये लिटरली ये एक्साइटमेंट है, ये ऐसी बात नहीं कि कोई हमारी वीडियो पूरी नहीं देखता, ये लिटरली एक्साइटमेंट है कि इंसान ने देखा वहां पर हम लोग का रिएक्शन, इंसान ने वीडियो पॉज किया और हमें रिएक्शन दिया गाइस, मतलब देख रहे हो निदा देख रहे हो। रो क्यों रहे हो तुम, इतना इमोशनल हो गए क्या? रो नहीं रही हूं यार, लोगों के इमोशन यार तुम खेल रहे हो। हाँ कुछ भी कोई इमोशन यार खेला नहीं मैंने, समझे? मैंने खाली एक टेस्ट किया कि भाई देखती है मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा, कुछ भी लोगों के साथ खेल रहा। लोगों ने आधे में ही देख के सोच रहे हैं ना, दिलों में ख्वाब बना लिए, कोई बात नहीं ना। और फिर अचानक से ये वीडियो देखेंगे बोलेंगे अरे नहीं है कोई बात नहीं, लोग अपने लिए दुआ कर रहे हो कि इस बार इन लोग को ट्विंस नहीं होता क्या, नेक्स्ट टाइम इनको ट्विंस ही देना अल्लाह पाक। ट्विंस नहीं तो क्या हो, बेबी तो है ना। यस ऑब्वियसली बात है यार, अल्लाह की रहमत है चाहे दो हो चाहे एक हो, इंसान एक में भी उतनी ही रहमत अल्लाह देंगे जितनी दो में देंगे, जितनी तीन में देंगे, जितनी चार में देंगे, भर भर के रहमत मिलती है। चलो अभी ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखाओ नेक्स्ट दिखाओ नेक्स्ट दिखाओ। कांग्रेचुलेशंस ऑन द अराइवल ऑफ योर ट्विंस, कांग्रेचुलेशंस निया एंड योर फैमिली मेंबर्स, मे अल्लाह ब्लेस देम बोथ। अरे आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं नीचे उतरी थी ऐसी वॉक करने के लिए। कितने बजे? अरे तुम सो रहे थे। अच्छा तो मैं नीचे वॉक करने के लिए उतरी थी तो मुझे मतलब एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक आपको ट्विंस है। तो दो मिनट के लिए पॉज हो गया क्योंकि आपने पूरी वीडियो नहीं देखी। सच्ची बता रहा आपने पूरी वीडियो नहीं, मतलब नहीं आपको तो ट्विंस है ना। मैं बोली नहीं नहीं ऐसे हम लोग मस्ती में बना दिए थे। अच्छा फिर भी कांग्रेचुलेशंस आपको बेबी है। सोचो मेरे में इतनी ब्लैंक हो गई। अब तुम तो छोड़ो मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे को ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी कि मेरे को ट्विंस है। नहीं गाइस ये वीडियो देखने के बाद ट्रीटमेंट मत देना उसको, ट्विंस वाली सिंगल वाली देना। लेकिन बच्चा बच्चा होता है ना, ट्विंस हो सिंगल हो यार क्या फर्क पड़ता है उससे। एक और दो होना अलग नहीं, क्योंकि गाइस मैंने ऐसा सुना हूँ कि कभी कभी बच्चे अगर ट्विंस होते हैं तो जो न्यूट्रिशन है जो बच्चों को मिलना चाहिए वो कभी एक को ज्यादा मिलता है या कम मिलता है या दोनों को इक्वली मिलता है, वो तो भाई ऊपर वाले के हाथ में ही है। बट ठीक है बच्चा बच्चा होता है चाहे ट्विंस हो चाहे सिंगल हो। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस अभी ये लास्ट वीडियो है और ये वीडियो ना मेरे दिल को छू गई, छू गई। ये मेरी फेवरेट वीडियो है जो रिएक्शन वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यस वाओ इसका क्या मतलब? बहुत स्वीट एंड सिंपल था कि उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा हाँ। यस थैंक यू। कोई ऐसा था ना कोई जंग जीत के आते। यस वो वाला यस था। ये तो मेरी फेवरेट वीडियो बन गई है गाइस। सो गाइस निदा के पास भी एक वीडियो है, दिखाओ जरा। ये दो बच्चे लोग ऐसा स्क्रीन मिररिंग कर रहे हैं। वाओ कितने स्मार्ट है। कितने स्मार्ट है यार, क्यूट लग रहे दोनों भी भाई। लेकिन इन लोगों का दिमाग कितना स्मार्ट है निदार, वो तो देखो तुम मेन चीज तो। और गाइस मैंने एक और एक चीज नोटिस किया कि लोग स्टोरीज पे भी डाले थे रिएक्शन वीडियो, मैंने वो स्टोरीज देखा बट वो टाइम में मैं बिजी था और आधे एक घंटे बाद जब मैं वो स्टोरी रिकॉर्ड करने गया तो वो स्टोरी हो चुकी थी डिलीट। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को लगा कि मैंने स्टोरी देखा बट इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं अगर मैं स्टोरी देख रहा हूँ तो उसको जरूरी नहीं कि मैं वही टाइम पे शेयर करूँ, हो सकता है मैं उसको दो घंटे बाद शेयर करूँ, क्योंकि हमारा भी टाइमिंग होता है स्टोरी
भी शेयर करने का, आधे घंटे में एक स्टोरी, एक घंटे में एक स्टोरी या दो घंटे में एक स्टोरी। स्टोरीज आती है तो हम धरा धरा स्टोरी नहीं डालते क्योंकि उससे एल्गोरिथम काम नहीं करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप स्टोरी डाल रहे हो तो मे बी हो सकता है कि आपका अकाउंट प्राइवेट हो, उसकी वजह से हमें स्टोरी दिख नहीं रही हो, क्योंकि आप अगर प्राइवेट अकाउंट में स्टोरी पोस्ट करते हो तो वो सिर्फ आपको दिखती है, किसी और को नहीं दिखती, क्योंकि मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, फॉलो करेंगे तो उनको दिखेगा। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी की स्टोरी गलती से शेयर नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में एटीट्यूड या ईगो है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका अकाउंट प्राइवेट हो सकता है या आपके अकाउंट से वीडियो दिख नहीं रही हो। सोशल मीडिया है गाइज, वो ऐप है, उसमें कितने ग्लिच आते हैं, कभी कभी जो हमारे खुद के फॉलोअर्स कम दिखाते कभी ज्यादा दिखाते, तो ये सब मैटर करता नहीं है। तो चलो इसी आपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं अभी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। लव यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।